मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट। देश भर के इन राज्यों में होगी बारिश और ओलावृष्टि। ताजा पश्चिमी क्षोभ आसाम में रात्रि के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों पर पहुंच जाएगा। इसके तहत 26-27 नवंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में पश्चिमी क्षोभ और दूसरी तरफ दक्षिणी अंडमान सागर उसके आसपास के इलाके में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है। इन दोनों के ही प्रभाव से उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत और दक्षिणी भारत तक मध्यम से भारी बारिश, तेज गति से हवाएं चलने, ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। बारिश की ये गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत दक्षिणी भारत के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 26 नवंबर को पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। राज्य में पाली, जोधपुर, सांचौर, बाड़मेर, भीनमाल, उदयपुर, सिरोही, जालौर, राजसमंद, आबू रोड, बीकानेर, अलवर, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, सवाईमाधोपुर इन जिलों में 26 नवंबर के दौरान गरज चमक के साथ में मध्यम से तेज बारिश, ओलावृष्टि की भी संभावना है। मध्य प्रदेश राज्य में भी बदलेगा मौसम। 26 से लेकर 28 नवंबर के दौरान बदलाव देखने को मिलेगा। पूरे इलाके में बादलवाही, हल्की से मध्यम बारिश, तेज गति से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियों की संभावना भी बन रही। पूरे इलाके पर ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में 26 नवंबर को भारी बारिश यानी कि 60 mm से लेकर 115 mm तक के साथ ही ओलावृष्टि होने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। राज्य में झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन जिले में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। आंधी तूफान का मौसम भी बना रहे, साथ ही चंबल, भोपाल, सागर संभाग आसपास के हिस्सों में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती। भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सागर, दमोह, हरदा, बुरहानपुर जिले में हल्की बारिश हो सकती है। 26-27 नवंबर के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में गरज के साथ तूफान की गतिविधि, ओलावृष्टि, भारी वर्षा होने की भी चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर तूफान, बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना। मध्य प्रदेश, विदर्भ में अलग अलग स्थानों पर तूफान, बिजली और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। अगले 2-3 दिनों के दौरान असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्के से मध्यम कोहरे की भी संभावना है। मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।